नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बैतूल में 1 लाख का गांजा पकड़ा, मामला दर्ज कर नागपुर जीआरपी थाने को सौंपा। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे तथा सहायक सुरक्षा आयुक्त कोटा जोजी के निर्देशन में सुरक्षा नियंत्रण कक्ष नागपुर में तैनात आरक्षक भास्कर ने सूचना दी कि ट्रेन नंबर 02805 ACAP एक्सप्रेस के कोच B2 बर्थ ना 3-4 में गांजे का परिवहन हो रहा है। सूचना पाते ही निरीक्षक आमला के निर्देशन उप निरीक्षक NL यादव, सहायक उप निरीक्षक VK पटेल, IP चौक से आरक्षक हरविंदर सिंह, उमेश यादव, मंगलदीप एवं जीआरपी के उप निरीक्षक प्रमोद पाटिल, S रघुवंशी व स्टाफ के साथ उक्त ट्रेन के PF प्लेटफॉर्म नंबर 03 पर समय पर 16:21 बजे आने पर अटेंड कर चेक किया गया तो उसमें CIB के HC सहानी व CT करवड़े भी मौजूद थे। एक संदेही नाम खेतावत कृष्णा नायक SO, मंगलता नायक उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम मैया भांडा, पोस्ट रेगुला बट्टा जिला नालगुड़ा के साथ 5 पैकेट के साथ गीला गांजा एक चादर में बंधा हुआ था जिसे गांजे के साथ उतारा गया था। जीआरपी आमला से ले जाकर उक्त CIB NGP के HC सहानी से लिखित तहरीर लिया। टोटल 10 kg गीला गांजा कीमत 1 लाख रुपए है। घटनास्थल NGP GRP के क्षेत्राधिकार होने के कारण उक्त मामले को NGP GRP को CR002021 US 820 NDPS एक्ट के तहत मामला कायम कर नागपुर GRP को ट्रांसफर किया जा रहा है। नर्मदापुरम संभाग ब्यूरो दीपक बर्थे की रिपोर्ट। पहला हमला पुलिस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। लगभग 1 लाख रुपए कीमत का गांजा पकड़कर आरोपी तत्काल कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है। क्योंकि मामला रेलवे GRP नागपुर से संबंधित था तो केस को वहाँ ट्रांसफर कर दिया। इंडिया न्यूज़ 28 के लिए दीपक कुमार बच्चन।